वही बाके बिहारी भैया जी आपके लिए मैं अपनी तरफ से पहला गीत सवालिया रूप में ये गीत दे रही हूँ। और गीत में कोई सवाल नहीं है, गीत बहुत साधारण है, बस एक औपचारिकता, बस ये सवालिया गीत है। इस कीर्तन विधा में थोड़ा चाटी वाला भाई देख लो, थोड़ा एकदम खुला हुआ बोलना चाहिए उसको। हम लोगों को फिल्मी तर्क से इंगित करना पड़ता है साथी कलाकार को जिस पर यह गीत तैयार किया जाता है, तो सबसे पहले फिल्मी तर्क सुनाई जाती है। और क्या, पहले तर्क इसके बाद मर्ज, पहले फिल्मी इसके बाद इल्मी। एक टुकड़ा फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है, बाकी जी सुनिए। YouTube के माध्यम से ये मेरा पहला गीत है, सुनिएगा। सुनिए कि घूंघट बनाए जिसने धानी चुनर से, पांडे जी, बिचौली निवासी आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं भेंट हुई हैं, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी को। सुनिएगा गीत, सुनिए पहली नजर ने मेरा हाल वो किया, हाल वो किया, कि कवियों
भैया जी, जी गीत में कुछ नहीं है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं। आजादी मोबाइल रख दो, मोबाइल में कुछ नहीं है, नहीं है। हम जो कह रहे हैं उसमें बहुत कुछ है, उसमें कुछ नहीं, नेट खत्म है। भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, देखिए जन्म सभी का होता है, हम आपका भी जन्म होता है, सबका जन्म है, लेकिन भगवान कन्हैया के जन्म से ही कुछ ऐसी ऐसी कथाएं हैं, जरा सुनिएगा गीत को, सुनिए, जो बड़ा अद्भुत है। भाई बागे भैया जी, भगवान कन्हैया ने बहुत ऐसे कार्य किए हैं जो कोई नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो असंभव ही है, वो भी बचपन में। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे बाली उम्र में, बाली उम्र ने, मैंने सोचा युवापन में गाया जाए, नहीं वृद्धापन गाया जाए, नहीं नहीं, जब बाली उम्र कहा तो बाली उम्र में ही कुछ मिल जाए, तब तो मेरा गीत गाना सार्थक होगा। गीत को सुनिए कभी, सुनिए बाली। कि बाली उम्र में सा बाली उम्र में ऐसा, बाली उम्र में ऐसा काम कर दिया, काम कर दिया। ओ काम क्या हुआ है सुनो, भगवान मथुरा में जन्मे तो मथुरा कर दिया, किशन बाल बाका। सुनो बाल बालों में किशन बाल बाका, कंस क्या करेगा उसका बाल बाका। और इतना ही नहीं, राजा बलि की, राजा बलि की पुत्री, लेकिन भागे भैया मेरे गीत के माध्यम से भी सुनिएगा। राजा बलि की पुत्री बनती पूतना है, स्तनपान करते मगर पूतना है। ये पूतना का पूत नहीं है, फिर भी स्तनपान कर रहे हैं। किशन बाल बाका है भागे भैया। असुर कंस का जीना, असुर कंस का जीना हराम कर दिया, हराम कर दिया। कर दिया
बने भैया जी सुनने के लिए। प्रेम के बंधन में, प्रेम के बंधन में जात बंध कन्हाई। सभी लोग जानते हैं कि भगवान कन्हैया अगर बांध सको तो प्रेम की रस्सी में बांधिए। माता यशोदा उनको उखल से बांध रही रस्सी से, लेकिन दो अंगुल छोटी पड़ जा रही है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मैया कोई बांधने वाला नहीं है हमें, और उस मुझको बांधना भी आसान नहीं है, और मुझको बांधना आसान है। कैसे? कोई मुझे बांधने आसान नहीं है। हाँ। और मुझसे भैया जी, मुझसे आसान बंधना किसी का हो ही नहीं सकता है। हाँ। तो बंधता कैसे हूँ? सुनेगा, सुनिए। प्रेम के बंधन में जात बंध कन्हाई, रस रीस बांधा तो बंधे ना कन्हाई। और जैसे ही कन्हैया को उसने अपने अंदर लिए, सारे बोल वालों को ले लिए। सुनिएगा, सुनिए। आधा या आधा सुरना ग्वाल बाल लीला, आधा सुर को मारा ये कृष्ण वाल लीला। तो असुरों का देखो काम, असुरों का देखो काम तमाम कर दिया, काम कर दिया। मथुरापुरी को मथुरा कर दिया, काना काना हकाना काली उम्र में सा काम कर दिया, भैया बहुत सी लीला है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। नाग पर नाच रहे, नाच रहे भगवान का नहीं। सुनिएगा, सुनिए। एक और कथानक मिला, बरसान रूप लेगा, बरसान रूप लेगा महाबन को करके
कालिया को नाथ करके नाम कर दिया है, नाम कर दिया मथुरा क्या हुआ और क्या? बहुत सी लीलाएं हैं बाली उम्र में तो, लेकिन दूसरी उम्र आ जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, बाली उम्र में काम कर दिया, काम कर दिया वाले भैया, आपका भी कोई जोड़ नहीं, बहुत अच्छे अच्छे। बड़ा सुंदर गीत पढ़ा गया आदरणीय कल्पना जी के द्वारा। मथुरापुरी को मथुरा धाम कर दिया, दो अर्थी भी शब्द आपने लगाए हैं, बाल बाका बाल बाका, कालिया कालिया, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है एक अच्छे गीत को सुनाने के लिए। आइए जवाब की ओर चलते हैं, जवाब सुनिए। गीत पढ़ा गया, कौन सा? घूंघट बनाए कितने रब्बा, आली उमर
21 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है हमारे जो कि व्यास भगवान है उनकी तरफ से, पंडित जी की तरफ से प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। कोट कोट प्रणाम पंडित जी को। प्रयास कर रहा हूँ, सुनिएगा, बड़ा जबरदस्त गीत आपने दिया है, प्रयास करेंगे हम। बाली उम्र मेरा, लेकिन आप कल्पना जी बाली उम्र नहीं रही है। अब कहने बुलाने तो खूब कहती रहोगी बाली उम्र ने, सही बात है। और ये तो औरतों की आदत भी होती है, अपनी उम्र का 10-20 साल कम करके बताए। सही बात है। वो आदत आपकी गई नहीं है, ये आदत से आप कीर्तनकार हैं तो कीर्तनकार की तरह रहिए, ये आदत आपने अभी छोड़ी नहीं है। औरतों की विशेष आदत है। कायज जी के साल की हो तुम, अबे तो हम 26 पे चल रहे और का हैं खूब 36 की। चलो कोई बात नहीं, पहले बाली पड़े, खैर कोई बात नहीं। हमारे श्री भैया श्री लज्जाराम विश्वकर्मा जी बिचौली वाले, और ये ढोलक पे संगत कर रहे हमारे श्री रविंद्र विश्वकर्मा ददरी निवासी, उनके लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे जिले की शान है भाई रविंद्र विश्वकर्मा जी। लो भैया आपकी भी बोनी हो गई भैया, इसको खर्च मत करना, ढोलक की गोलक में रखना। ये दूध पीने के लिए दे रहे भैया रविंद्र भाई, इसका गलत इस्तेमाल मत करना। और लियो भैया थोड़ा ढोलक का माइक थोड़ा और खोलते हैं। भैया 20 रुपए प्रदान करके हमारे रविंद्र भाई के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। कोट कोट प्रणाम है। लेकिन सुनिएगा, बाली उम्र ने मेरा आई और बोली, बाली उम्र ने मेरा हाल वो कर दिया, बाली उम्र ने मेरा हाल वो किया, जाने झुलाली मैंने, जाने झुलाली मैंने दिल दे दिया, हे रब्बा हे रब्बा, तेरे तेज घर में मेरा हाल वो किया, तेरे तेज घर में मेरा हाल वो किया, मथुरापुरी को मथुरा धाम कर दिया। ये आपका गीत आपने पढ़ा, बड़ी अच्छी बात पढ़ी आपने, क्योंकि सुनिएगा जवाब, कहने की बाली उम्र की ही बात आ जाए तो जवाब है, मैं बाली उम्र की बात कह रही हूँ, बाली उम्र की बात आ जाए तो जवाब है, और अगर बाली उम्र से थोड़ी नीची उम्र की बात आ जाए तो जवाब नहीं होगा। बाली उम्र में तो जाने क्या क्या लोग कर देते हैं, सही बात है। बाली उम्र में भगवान ने तो जाने कितनी लीलाएं कर दी, अगर बाली उम्र के पहले जाने कितनी लीलाएं कर दी उनका अपना भगवान नहीं किया। सुनिएगा, सुनिए आप लोग, क्योंकि सारी सृष्टि का जो रचना कराए, पालन भी करे और प्रलय भी मचाए, शिष्पन में कान्हा ने क्या क्या उत्तुक रचाए, कि छछिया भर छाछ में जिन्हें गोपी नचाए। जवाब सुनिएगा, शिशुपन में कान्हा ने आवाज़ है।
शाकाहारी डमरू जहरीले क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया का पुरस्कार हमारे भैया श्री गोविंद सिंह शेवंद सिंह गोरा भूत का वाले प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है हमारे भैया मंगपुर मंकुश चौहान और डीके पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया दोनों की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिसका नाम अगर गलत बोल जाए हाँ तो दोबारा इनाम देकर बुलवा सकते हैं। अरे नहीं नहीं आप चले आओ बोल देंगे कोई बात नहीं। लेकिन जब आप सुनिएगा बाली उम्र के पहले शिशुपन होता है। भगवान ने जब जन्म लिया तो जन्म से ही यानी शिशुपन से ही उत्पाद चालू हो गया था और शिशुपन से ही भगवान ने कमाल कर दिया। कमाल क्या लीलाएं की है भगवान ने आप लोग सुनिए। भैया पंडित जी की तरफ से पुनः 21 रुपए प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना चाहेंगे। लेकिन सुनिएगा शिशुपन में कान्हा ने क्या काम कर दिया। क्या बात है क्या काम कर दिया क्या ब्रजे में पहुंच कर ब्रजे ब्रजे में जन्म ले ब्रजे धाम कर दिया। शिशुपन में कान्हा ने क्या काम कर दिया। शिशुपन में कान्हा ने क्या काम कर दिया काम कर दिया। शिशुपन में कान्हा बाली उम्र में मथुरा में कोई काम नहीं किया कान्हा ने ऐसा बाली उम्र में सब जो काम किए उन्होंने गोकुल में ही किए। 11.5 वर्ष तक उन्होंने लीला यही की। 11.5 वर्ष तक और 11.5 वर्ष के बाद वो मथुरा प्रस्थान किया उन्होंने। समझिए बात 11.5 वर्ष के बाद इसलिए गोकुल में ही जो भी काम किया उन्होंने तो शिशुपन से ही लग्गा लगा दिया उन्होंने काम करने के। क्या काम किया क्या मथुरा में मैयाज से किसी ने कहा है ब्रज धाम तो सभी ने सुना होगा। हाँ मथुरा पुरी जरूर कहते हैं। बिल्कुल सही बात पुरियों में गिनती है 7 पुरियां हैं 7 पुरियों में ये मथुरा पुरी गिनती है मथुरा पुरी। लेकिन आप ठीक है आपकी बात अच्छी बात है सुनिएगा। मथुरा में मैया जैसे सखी वहां पालना देवकी ने जन्म तो दिया लेकिन वो उसको पाल नहीं सकी। मथुरा में मैयाज से सखी वहां पालना नंदीवा यशोदा घर डलीवा या पालना उधर पाल नहीं सकी तो नंद यशोदा के घर पालना डलवाया। और सुनिएगा पालना और पालना का अर्थ देखिएगा सुनिए आप लोग देवकी देवकी सोच रही खिला सकी लाल ना तो गोकुल में रहेगा कैसे मेरा लाल। ये जब गोकुल में कैसे रहेगा सोच रही हमारे भगवताचार्य जी सुन रहे हैं
ब्रिज में पहुंच कर मारे, ब्रिज में पहुंच नैना विराम कर दिया भगवान ने, ब्रिज में पहुंच नैना विराम कर दिया, ब्रिज में पहुंच कर ब्रिज धाम कर दिया, ब्रिज में पहुंच कर ब्रिज धाम कर दिया, ब्रिज में पहुंच कर धाम कर दिया, शिशुपन में कान्हा ने ये काम कर लिया। देखे दूसरी बात सुने आप, शिशुपन ने और क्या क्या कर दिया बाबा, दूसरी बात सुनिए आप लोग, ओटे कच सकट भी चले, सकटा सुर और उत्कच नाम का राक्षस आया भगवान को मारने के लिए शिशुपन में ही, ओटे कच सकट भी चले जिसे आज मान, ओटे कच सकट भी चले जिसे आज मान, लीला को देख कर सभी आज मान, उनके लीला को देख करके सभी आज माने, और तो और सुनो, कालिया को आए जब बाहर वो नाथ के, कालिया को आए जब बाहर वो नाथ के, और जल के अंदर भी काला नाथ के भी नाथ के, जल के अंदर भी गाना नाथ के उन्ना थके, बहुत बढ़िया, इसलिए आचार्य पौरुष दुष्टों का, पौरुष दुष्टों का जाम कर दिया, पौरुष दुष्टों का जाम कर दिया, ब्रज में पहुंच कर ब्रज धाम कर दिया, शिशुपन में कान्हा ने काम कर दिया, काम कर दिया, बहुत बढ़िया, क्या कहना रविंद्र भाई, क्या कहना, कहना ये 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है हमारे भतीजे लगते हैं वैसे तो दीपू चौहान के सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है, उनकी श्रीमती जी यानी हमारी बहू किरण चौहान की तरफ से 101 रुपए प्रदत्त हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अंत बात सुनिएगा जवाब में, और जो कि आज लाइटली का कारोबार संभाले हैं श्री उत्तम आचार्य जी, उनकी कलम के द्वारा कुछ आप लोगों को जो सुनने को मिल रहा है सुनिएगा। प्रेरावत संघारा शंघारा और यमला अर्जुन तारे, बकासुर को मारा नंद नयन होता, और तो और सुनेगा, तेन का सुर बद करके धारा को वरे धन, ब्रज की रक्षा हो गए गोबर, देखे को
गोवर्धन के रूप में भी पूजने लगे भगवान, और गोवर्धन की रक्षा जब से की उन्होंने तो बाके असुरों की, बाके असुरों की सुबह शाम कर दिया। बहुत अच्छे अच्छे बाके असुरों के शुभ शाम कर दिया। भेजे में पहुंच कर भेजे धाम कर दिया, शिशुपल में काढ़ा दे वो काम कर दिया। वो शिशुपल ब्रज में जन्म ले ब्रज धाम कर दिया, शिशुपन में काना वो काम कर दिया। शिशुपन में काना वो काम कर दिया, शिशुपन में काना वो काम कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये 51 रुपए हमारे श्री राम नारायण।